वैसे 40 पर रोक दिया तो सबसे बड़ी बात। कर्म करता है लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया। कौन गंभीरता से लेता है आरएसएस को? मोदी जी खुद तो लेते नहीं, तो हम क्यों लें? ये आरएसएस और भाजपा का जॉइंट ढोंग है। हम लोगों ने राम के नाम को कभी राजनीतिक विषय से नहीं जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी घमंडी थी या उसकी लीडरशिप में 100 कमियां थी, तो आप कहां थे? आप विदेश में थे। राजनीतिक बयानबाजी चलती रहती है। तो ये है वही जो राम रचि राखा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी। नतीजों के एक हफ्ते बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, चुनाव प्रचार में मर्यादा का पालन नहीं हुआ। जो अहंकार नहीं करता वही सेवक कहलाने का अधिकारी है। अब 3 दिन बाद आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने अहंकार पर एक और बयान दे दिया। इंद्रेश कुमार ने बिना नाम लिए बीजेपी पर सीधे सीधे सवाल खड़े कर दिए। इंद्रेश ने कहा, जिन्होंने राम की भक्ति की लेकिन अहंकार आया तो उन्हें भगवान राम ने 241 सीटों पर रोक दिया। इन दोनों बयानों के बाद सवाल है कि आखिर आरएसएस अहंकार पर संदेश देना क्या चाहता है, और उससे भी बड़ा सवाल किसको देना चाहता है? आरएसएस की समीक्षा में क्या अहंकार सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है? आज इसी सवाल पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको संघ प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार का ये दोनों बयान सुनाते हैं। काम करते सब लोग हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करते हुए उसको करना। उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है वो कर्म करता है लेकिन कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता कि मैंने किया, और वही सेवक कहलाने का अधिकारी रहता है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया, और उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो भगवान ने अहंकार का कारण दिया। अहंकार आया उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा, तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। तो सुना आपने, और अब मेरे साथ इस पर बात करने के लिए प्रोफेसर संगीत रागी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। मनोज यादव होंगे हमारे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। समीर चौगावकर हैं, वरिष्ठ पत्रकार। अतुल लोंढे पाटिल हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। संगीत जी, शुरुआत आपसे करते हैं। संगीत जी, मुझे ये बताइए, पहले मोहन भागवत जी और उसके बाद अब इंद्रेश कुमार, ये किस अहंकार की बात हो रही है और इंद्रेश किसको संदेश दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो कि इंद्रेश जी के बयान को हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आधिकारिक बयान के तौर पर नहीं मानना चाहिए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में किसी बहुत बड़ी जिम्मेदारी का पद नहीं है। उनके जिम्मे जो है वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है, जिसका वो काम देखते हैं, मुसलमानों के बीच में वो काम देखते हैं। और मज़ेदार बात है कि इस चुनाव में ऐसी अपेक्षा की जाती थी कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुसलमानों के लिए घर को हो, नल जल से हो, या जितनी भी कार्यक्रम थे उनमें बहुत वो बेनिफिशियरी रहा है, इसलिए उनका वोट पड़ेगा। मजेदार बात है, मुसलमानों का वोट 1% से भी नीचे रहा है इस चुनाव के अंतर्गत। तो उनके बयान को विशेष रूप से बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता नहीं है। रही बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के परम पूजनीय सरसंघ चालक जी की, तो उनकी बात एक अपने आप में घोष वाक्य है, और वो कभी भी व्यक्तिगत टिप्पणी या किसी संगठन के बारे में वो टिप्पणी तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं। वह एक राष्ट्रीय संबोधन होता है, स्वयंसेवकों के लिए संबोधन होता है, साथ साथ सभी के लिए वो एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि वो एक परिप्रेक्ष्य है, वो एक अप्रोच है, और उसके आईने में आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आप इंद्रेश कुमार जी की पूरी बात नहीं मान रहे हैं या आधी बात मान रहे हैं? क्योंकि एक तरफ उन्होंने कहा कि 241 वालों को, अहंकार वालों को 241 पर रोक दिया, और जो भगवान राम के भक्त नहीं थे उनको पूरा मिला के भी उस पार्टी से बाहर नहीं जाने दिया। मैं पूरी बयान को ही इससे इसको मैं देख रहा हूं कि इसे कोई वो निरर्थक बयान है, पूरा बयान निरर्थक है। तो चलिए फिर, अतुल लोंढे पाटिल, आपको तो खुश होना चाहिए संघ से जुड़े बातों पर। जो ज्यादा मीडिया में अपनी बात रखते हैं यहाँ पर संगीत जी, वो तो ये कह रहे हैं कि पूरी बात ही निरर्थक है। तो आधी बात जिस पर आप भरोसा करते हैं वो भी निरर्थक है, और आधी बात जिसको आप नहीं मानते कि भाई हम भगवान राम के भक्त नहीं है, ऐसा वो कोई नहीं कह सकता, वो भी यहाँ पे कह रहे हैं कि निरर्थक है।
नहीं एक मिनट संगीत रागी जी, ओके अतुल लोंढे पाटिल का वक्त है, वो बोल दे। ऐसा है कि संगीत रागी जी आरएसएस को चाहते हैं या उनकी पहली मोहब्बत बीजेपी है बाद में आरएसएस है, ये उनका व्यक्तिगत प्रश्न है। मैं व्यक्तिगत प्रश्नों पर जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ इंद्रेश कुमार जी महत्वपूर्ण पदाधिकारी नहीं है लेकिन महत्वपूर्ण व्यक्ति है आरएसएस के महकमे में। और दूसरी बात, जब मोहन भागवत जी ने चुनाव को इंगित कर ये कहा है कि इसमें काफी अहंकार दिखा है, एक प्रतिपक्ष के मामले में प्रतिपक्ष न मानते हुए दुश्मन की तरह मारा गया है और यह अहंकार जो है वो ठीक नहीं है। और बराबर उसके बाद टिप्पणी आती है जेपी नड्डा जी की, जेपी नड्डा जी कहते हैं कि अभी हमें आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है। तो ये उनके आरएसएस की जो जननी है, जनसंघ की भी, जनता पार्टी की भी और अभी भारतीय जनता पार्टी की भी, उससे उन्होंने नाता तोड़ा है नहीं तोड़ा है या उनके बीच में अनबन है, ये उनका आपसी मसला है। लेकिन एक बात तो इस देश की जनता ने दिखा दिया है कि जिस तरह से म से मटन, म से मछली, म से मंगलसूत्र, म से सारी चीजें जो है जिस तरह से की गई है वो जनता को पसंद नहीं आई, और शायद ये इस तरह का स्तर कभी भारतीय राजनीति में चुनाव में रहा नहीं है। एक हमारे महाराष्ट्र में विशेषकर मैं आपको बता दूं गौरव जी, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे को शत्रु नहीं माना जाता है और एक दूसरे के सभी कार्यों में सम्मिलित होना। एक बार नितिन गडकरी जी ने उनके बेटे के शादी के रिसेप्शन जो उन्होंने दिल्ली में दिया था, उन्होंने पवार साहब के पैर छुए थे, तो बड़ा हड़कंप मच गया था उत्तर में, लेकिन हमें यहाँ कुछ नहीं लगा था क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में इस तरह की राजनीति नहीं है। तो उसे खराब करने का काम महाराष्ट्र में भी किया गया है, उसे खराब करने का काम देश में भी किया गया है। और सर्वसम्मिलित टिप्पणी, सर्वकष टिप्पणी है, अगर संगीत जी ऐसा कहते हैं सर्वकष टिप्पणी है तो फिर टिप्पणी है सर्वकष में हुई है, और सर्वकष के नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे थे। तो उन्होंने और भी कुछ बातें कही है, अगर आप उनकी ये बात मानते हैं तो मैं आगे आपसे पूछूंगा, उन्होंने कुछ और बातें भी कही है, मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी लूंगा। अगर आप इंद्रेश कुमार की ये बात मानते हैं तो इंद्रेश कुमार ने यह भी कहा कि जो भगवान राम के भक्त नहीं, भगवान राम ने उनको मिलाकर भी उस पार्टी से आगे नहीं जाने दिया, फिर आप उसको भी मानिए, लेकिन आप उसको नहीं मानेंगे अतुल जी। मैं अभी समय में आता हूं, मेरा ले लो, इस पे ज्वाइन ले लो मेरा, बोल दीजिए सर 20 सेकंड करके आगे। हां ऐसा है कि राजीव गांधी जी ने क्या किया है, पहला उन्होंने शिला रखी, सब सबको सब पता है, सिर्फ यही है कि हमने सुप्रीम कोर्ट पे छोड़ दिया था। जिस तरह से राहुल गांधी जी की इमेज एक षड्यंत्र के तहत खराब करने की कोशिश की, उससे कांग्रेस का भी किया गया उन्होंने, लेकिन जब निर्णय आया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा मैं वो सब बातें नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ अगर इंद्रेश कुमार के एक सर्टिफिकेट को आप मानते हैं तो दूसरे सर्टिफिकेट को आप क्यों नहीं मानते? मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैंने तो स्पष्ट तरीके से कहा है कि आरएसएस और बीजेपी में अगर अनबन है तो उनका अंदरूनी मामला है। मैंने ओवरऑल टिप्पणी की है, लेकिन एक टिप्पणी हिंदुस्तान आवामी लीग के जतिन राम मांझी जी ने जो प्रभु रामचंद्र जी के बारे में जो कहा है, पूरे रामायण के बारे में कहा है, उसके बावजूद अगर उनको मंत्री पद मिलता है तो उसका जवाब भाजपा ने देना चाहिए। ठीक है समीर चौगावकर, आप भी संघ को बहुत करीब से जानते हैं, आप बीजेपी को बहुत करीब से जानते हैं, आप देश की राजनीति को बहुत करीब से जानते हैं, मुझे ये बताइए जो दो तीन दिन में ये संघ से जुड़े बड़े पदाधिकारियों का और खुद सरसंघ चालक का जो बयान आया, क्या ये कुछ इशारा करता है, इसमें कोई संदेश छिपा है, आप इसको डिकोड कर पा रहे हैं? देखिए संघ प्रमुख बेसिकली अगर आप देखोगे तो परम पूज्य मोहन भागवत जी का जो संबोधन होता है वो बेसिकली विजयादशमी के दिन होता है, दशहरे के दिन जिस दिन संघ की स्थापना हुई थी, और उसके अलावा संघ प्रमुख कभी कभी अपनी बौद्धिक देते हैं, जब तृतीय संघ शिक्षा वर्ग का नागपुर का कार्यक्रम था और यही प्रशिक्षण वर्ग के कार्यक्रम समय वो देश के स्वयंसेवक जो भावी स्वयंसेवक बनकर निकलेंगे, प्रचारक बनकर निकलेंगे, उनको संबोधित कर रहे थे। जब संघ प्रमुख बौद्धिक देते हैं तो वो स्वयंसेवकों को भी संबोधित करते हैं, वो संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी को भी संबोधित करते हैं, वो देश और समाज को भी संदेश देने की करते हैं, और वो राजनीतिक वातावरण में भी अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव खत्म हुए थे, ताजा चुनाव परिणाम आया हुआ था, उस परिप्रेक्ष्य में मोहन भागवत जी ने अपना विचार रखा और वो किसी एक पार्टी के लिए नहीं था, वो देश के राजनीतिक वातावरण को लेकर उन्होंने संघ के स्वयंसेवकों को संदेश देने का काम किया है। अब इसमें से लोग अलग अलग अंदाज निकाल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, नरेंद्र मोदी से नाराज है, इसके खिलाफ उन्होंने बयान दिया। नहीं तो वो क्या कह रहे हैं, वो अहंकार सेवक में नहीं हो सकता, तो सेवक तो आप मानते हैं कि बीजेपी में ही है, या सेवक आप मानते हैं कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं? ओवरऑल एक भारतीय राजनीति को देख के उन्होंने एक संदर्भ में एक बयान दिया था, अब उसमें से लोग अपना अपना स्वार्थ निकाल कर किसी को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लग रहा है उनके बयान को एक बड़े परिपक्ष में देखना चाहिए जो उन्होंने समाज के अंदर दिया है, और इसमें कोई दो राय कि उन्होंने जो बयान दिया है वो सभी पार्टी को गंभीरता से लेना चाहिए। सिर्फ यह क्यों माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने कहा है? क्योंकि बीजेपी आरएसएस से जुड़ी हुई है सर,
क्योंकि कांग्रेस तो आरएसएस से जुड़ी हुई है नहीं, क्योंकि दूसरी पार्टियां तो आरएसएस से जुड़ी हुई है नहीं, इसलिए उसको उस बयान को बीजेपी से जोड़ा जा रहा है। मैं समीर मैं आ रहा हूं, एक मिनट समीर जी, देश के राजनीतिक वातावरण पे बोला है उन्होंने, किसी भी राजनीति का नाम नहीं लिया, क्या उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र? तो इंद्रेश कुमार ने भी क्या जो बोला वो भी उसके बावजूद आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसके लिए बोला? भैया मनोज यादव जी आप बताइए, आपको क्या समझ में आ रहा है इंद्रेश जी ने जो बोला उसमें आपको क्या दिखता है? ये हम सभी को क्या समझ में आ रहा है, पूरे देश को समझ में आना चाहिए। और जो बोला है उनका बयान, आप जैसे संस्थान और देश भर के संस्थान चला रहे हैं, कुछ स्वघोषित वैचारिक लोग ये कह रहे हैं कि हम तो जानते ही नहीं, हम ये समझते हैं कि आपका मंच और पूरे देश में लोग जो जानते हैं, अब आरएसएस प्रमुख ने क्या कहा उनको कौन नहीं जानता, हम उनके किसी विचारधारा से संबद्ध नहीं हो रहे। 1925 से जब से उनकी विचारधारा है मनुवाद की, हम उसके सख्त खिलाफ हैं, हम तो मानवता के, संवैधानिक समाजवाद के, समता के हम पक्षधर हैं। लेकिन जो उन्होंने मणिपुर पर सवाल जो उन्होंने खड़े किए, क्या मणिपुर को कौन नहीं जानता है? जिस देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में घूमते हों, और जो मणिपुर विगत एक साल से ज़्यादा हो गया, 3 मई 2023 से वहाँ पर अनरेस्ट है, और डबल इंजन की सरकार है, जहाँ पर हमारे देश के सरहदों की सुरक्षा करने वाली घरों के बहन बेटियों को नंगा घुमाया गया, और वहीं की रिपोर्ट है, वहाँ के मुख्यमंत्री की रिपोर्ट है कि उस तरह की हजारें घटनाएं हैं जो हमारे आपके दृष्टि में और हम सोशल मीडिया पर या कहीं नहीं आ पाई, तो इतनी भयावह स्थिति का आप आकलन नहीं कर पा रहे। मैं तो मोहन भागवत से ज्यादा उस बयान के बारे में आप बोलिएगा, मैं तो पूछ रहा हूँ। इंद्रेश कुमार ने दो बयान दिए, एक बयान उन्होंने दिया है उस पार्टी के लिए जिसको 240 सीटें मिली हैं, एक बयान दिया है उन्होंने उस संगठन के लिए, जो उस गठबंधन के लिए जो मिलके भी 240 को पार नहीं कर पाया। आप इन दोनों बयानों को कैसे देखते हैं? मैं तो ये पूछ रहा हूं। मैं दोनों बयानों को मैं ही नहीं, सब लोग देख रहे हैं। वो जो गांव में एक सहज कहावत है कि आधा कहे मर्द समझे, पूरा कहे बैल समझे, तो वो अब उसमें कहने को क्या बाकी रह गया? उन्होंने कहा, आप ये मानते हैं कि उन्होंने आप जो आपके गठबंधन के लिए जो टिप्पणी की है मनोज जी, वो भी सही है? मतलब आप आम लोग भगवान राम के भक्त नहीं है? अरे हमसे ज्यादा भक्त कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम पौराणिक राम ने अयोध्या की सीट समाजवादियों को दी है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के पोषित गुंडे अभद्र उस दलित के एक बेटा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनसे पूछिए ना। हमारे अंदर तो मर्यादा पुरुषोत्तम, मैं तो यही पूछ रहा हूँ, आप और अतुल जी दोनों लोग आधी टिप्पणी मान रहे हैं आधी टिप्पणी नहीं मान रहे, या तो इधर होगा या तो उधर होगा। आप मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, यही पे सवाल आता है। मैं संगीत रागी को मैं आ रहा हूं, एक मिनट मैं आ रहा हूं, आप सुनिए तो पहले, अब ऐसे नहीं चलेगा। मैंने साफ साफ कहा कि हम उनके किसी विचारधारा से हम संबद्ध नहीं होते। उन्होंने जो सवाल खड़ा किया, हम लोग गांधी को भगत सिंह को, डॉक्टर लोहिया को, श्रद्धेय नेताजी को, बीपी मंडल को मानने वाले लोग, हम किसी व्यक्ति से घृणा थोड़ा करते हैं, उनकी विचारधारा नहीं। अब मेरी बात सुनेंगे आप, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आपकी बात मैं समझ गया, हमारे दर्शक समझ गए। मनोज जी सुनिए, आत्मसात करने में बुराई क्या? मेरी बात सुनिए, क्या इतना वो जो लाइन आपसे आपकी लाइन से टो करती है, आप तुरंत उस बयान को लेके भाग जाते हैं, लेकिन जो बयान आपकी लाइन से टो नहीं करता, आप कहते हैं भाई हमारा इस संगठन से हमारा लेना देना ही क्या। सवाल यहां पे खड़ा होता है, संगीत रागी जैसे आप कह रहे हैं कि हम पूरे बयान को नहीं मानते, तो आप ये मानते हैं कि ये लोग भी भगवान राम के भक्त हैं? इन लोगों को जिस तरह से कहा गया कि भगवान राम के विरोधी हैं, ये चुनाव भगवान राम के भक्तों और भगवान के, नहीं एक मिनट मनोज भाई आप ही की लाइन का सवाल है, सवाल यह है कि या तो आप कह दीजिए कि आपने जैसे कहा कि इंद्रेश कुमार जी के पूरे बयान को हम नहीं मानते, तो उसमें जो भगवान राम के भक्त नहीं है, भगवान राम के विरोधी हैं, जो वो कह रहे हैं आप वो भी नहीं मानते। चुनाव में जिस तरह से कहा गया कि चुनाव भगवान राम के भक्तों और विरोधियों के बीच है, वो भी गलत कहा गया? देखिए जो मैंने कहा, पहली बात तो मोहन भागवत जी का बयान वो एक दर्पण की तरह है, जो भी उसमें जाएगा उसके सामने खड़ा होगा उसको अपनी तस्वीर नज़र आ जाएगी कि वो कहाँ पर खड़ा है। वो चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का व्यक्ति हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की पार्टी का हो, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का हो, जो भी समाज जीवन में है वो जाकर के उसमें अपनी तस्वीर आकलन कर सकता है। दूसरी बात, जहाँ तक इनकी बात आप कर रहे हैं, तो मैं इंद्रेश जी के बयान को लेकर के सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वो बहुत ही हल्की टिप्पणी है, उस टिप्पणी को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। तीसरी बात, राम भक्तों की बात हो गया है, तो ये सब कोई जानता है, पूरा देश जानता है कि राम भक्तों पर सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट लाने के लिए किसने गोली चलाई थी। ये सब कोई जानता है कि अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को महिमा जिसको आप हल्की टिप्पणी कह रहे हैं उसका कोई आधिकारिक खंडन नहीं। सूत्रों के मुताबिक तो खंडन आया है, कोई आधिकारिक खंडन नहीं है, सूत्रों के मुताबिक खंडन आया है, लेकिन आधिकारिक खंडन नहीं आया उसका। मैंने आपसे फिर कहा है
कि आधिकारिक खंडन हो या न खंडन हो, मैंने ये नहीं कहा है, मैंने सिर्फ एक विश्लेषण किया है, क्योंकि वो किसी भी जिम्मेदार पद पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नहीं हैं, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच हैं। रादर ये सवाल ये होना चाहिए कि जिस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के लिए वो काम करते थे, 15 साल से काम कर रहे हैं, अहर्निश काम कर रहे हैं, वो मुसलमान समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देता है, इतना काम होने के बावजूद भी वोट नहीं करता है, उसके लिए सोशल बेनिफिशियरी प्रोग्राम में वो बराबर का भागीदार है, 36% बेनिफिशियरी मुस्लिम है, जबकि आबादी तो 14.6% ही है ना, लेकिन इसके बावजूद भी वो वोट नहीं करता है, तो क्या ऐसा कारण है, क्या वो समाज दीन के नाम पर वोट, क्या यही वो कारण है जिस वजह से उनको टिप्पणी करनी पड़ रही है, ये भी तो हो सकता है संगीत नहीं, नहीं। देखिए वो किस संदर्भ में टिप्पणी कर रहे थे, मुझे तो मैंने इसलिए कहा कि वो बहुत ही हल्की टिप्पणी थी। देखिए जब आप चुनाव में आप जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन सोशल कोएलिशन बहुत शानदार है, एक साथ यादव की प्रशंसा करनी पड़ेगी, एक मिनट बोल लीजिए, संगीत बोल लीजिए, बात तो कर लेने दीजिए। अयोध्या के मामला में बहुत साफ था कि लल्लू सिंह के खिलाफ एक वातावरण था और कहने के बावजूद भी उनको टिकट कंटिन्यू किया गया, सोशल कोएलिशन शानदार अखिलेश यादव ने अयोध्या के लिए किया, पासी समुदाय को लाए, यादव समुदाय उनके साथ एक मुस्त वोट कर रहा था, मुस्लिम एक मुस्त उनके साथ खड़े थे, ओबीसी का एक बहुत बड़ा वर्ग था वो भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके समाजवादी पार्टी के साथ आया, और पूरा का पूरा जो है वातावरण जो है वहां का पूरा एक बदल करके रह गया। ऐसी स्थिति में हम ये कह दें कि राम भक्त और राम नव भक्त के कारण हो तो अयोध्या मथुरा में क्यों भारतीय जनता पार्टी जीत गई, राम और कृष्ण दोनों अलग अलग तो है नहीं, मथुरा में पार्टी जीत जाती है अयोध्या में हार जाती है, हमको इसको प्रतीकों के संदर्भ में, ठीक है आपकी इस बात का जवाब अतुल लोंडे पाटिल देना चाहते हैं, ओके समीर जी आ रहा हूँ, समीर जी अभी अतुल लोंडे पाटिल फिर आप बोले, अतुल लोंडे पाटिल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हमने संविधान का मुद्दा उठाया था तो इन्होंने कहा कि इन्होंने झूठ फैलाया, लेकिन अभी संगीत रागी जी क्या कर रहे हैं, संगीत रागी जी एक विचारधारा को मानते हैं, उस विचारधारा में क्या यही सिखाया जाता है, ये वोट मुसलमान ने दिया है, ये वोट ओबीसी ने दिया है, ये वोट पासी ने दिया है, ये वोट दलित ने दिया है, ये वोट आदिवासी ने दिया है, अपने अपने तो संविधान की पहली लाइन है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। मैं देख रहा हूं कि बाज नहीं आ रहे, देश की जनता ने हिंदू मुसलमान जैसे मतभेदों पे और द्वेषपूर्ण प्रचार को ठुकरा दिया और विकास को उन्होंने करीब किया है, उसके बावजूद भी ये वोट जिहाद हिंदू मुसलमान ये क्यों किया जा रहा है, मामा के घर से पैसे लाके कर रहे हैं तो क्या? फिर आपके नेता राहुल गांधी ये क्यों बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, तो फिर आपके नेता राहुल गांधी ये क्यों बोलते हैं कि देश में 90 सेक्रेटरीज में से केवल 3 ओबीसी हैं, फिर आपके नेता ये क्यों कहते हैं कि देश में पिछड़ों का कितना यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है, जब आप ये कहते हैं आप जब आपको सूट करता है तब आप जातीय गणित ले आते हैं और जब आपको सूट नहीं करता तब आप संविधान का प्रीएम्बल सिखाने लगते हैं। सर नहीं नहीं गौरव जी ऐसा नहीं, समझ समझ की बात है, नहीं उसी संविधान में रिजर्वेशन क्यों दिया है फिर SC ST को, तो अरे तो आप जब ये कह रहे हैं कि ये चुनाव में जाति बात करने लग गए, धर्म की बात करने लग गए, तो आपके नेता ने क्या कम बात की सर? नहीं नहीं ये चुनाव में नहीं है, ये 90 साल से कर रहे हैं, 14 साल के बाद बहुत छोटी सी 10 सेकंड की एक टिप्पणी है गौरव, एक मिनट मैं आ रहा हूं संगीत जी, मौका दीजिए, मुझे करने दीजिए बाद में आप बात, हां बोलिए बोलिए, ये बात है रिप्रेजेंटेशन की, ये बात है बराबरी का हक देने की, जो संविधान कहता है, संविधान के दायरे के बाहर हमने कभी भी कुछ नहीं कहा है, ये बात तब उठी है, बात एकदम तरीके से छुपाने की कोशिश हो रही है कि JP नड्डा जी ने ऐसा क्यों कहा कि अभी हम सक्षम हो गए, अभी हमको RSS की जरूरत नहीं है, उसके बाद ये सारे बयान आए हैं, मणिपुर का बयान एक साल बाद उठाया है मोहन भागवत जी ने, मेरा तो उनके ऊपर भी एक आक्षेप है कि आपने तभी क्यों नहीं उठाया, क्या वहां की महिला है मणिपुर भारत में नहीं, मोहन जी उसके बाद पहले भी बोल चुके हैं, समीर चौगा को जवाब दे रहे हैं आपकी बात का, समय संगीत जी आ रहे हैं, बिल्कुल एक मिनट एक एक करके अभी एक साथ नहीं नो एक मिनट एक करके पहले संगीत रागी भी समीर चौगा को फिर मनोज यादव संगीत रागी गौरव जी, संविधान बदलने की बात की जाती है, संविधान समझने, इसी संविधान में भगवान राम का दरबार था, कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण शिक्षा देते हुए थे, भगवान महावीर थे, भगवान महाबुद्ध थे, इन सारे तस्वीरों को और चित्र जो है वो संविधान से बाहर निकलने का दुष्कर्म और पाप किसने किया है, ये पाप जो है वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, नेहरू जी के नेतृत्व में किया है उसको जो है कांग्रेस की श्रीमती इंदिरा गांधी ने उसको किया, तो संविधान से हटाया तो आपने, सबसे 42वां संविधान संशोधन जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया,
सारे दुष्कर्म तो आपने वहां पर ला करके खड़ा किए जिसे 44th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से रेक्टिफाई किया गया। ये मत बोलिए आप आरक्षण के खिलाफ आप शुरू से खड़े थे। एक मिनट, एक मिनट, कमेटी की रिपोर्ट थी, आपने क्यों नहीं लागू किया था? ठीक है, इस पर अभी अतुल लोंडे पाटिल जवाब देंगे। लागू क्यों नहीं किया था ये तो आपके ऊपर भी बहुत गंभीर टिप्पणी है। ठीक है अतुल लोंडे पाटिल, अभी रुकिए, अभी जवाब दीजिएगा। पहले समीर चौगावकर कुछ बोल रहे हैं, फिर मनोज यादव। समीर चौगावकर बोलिए। देखिए गौरव जी, मेरा ये कहना है कि संघ प्रमुख मोहन भागवत जी का जो बयान है, उस बयान की तुलना आप इंद्रेश जी के बयान से मत कीजिए, या मोहन जी के बयान से इंद्रेश जी के बयान को मत जोड़िए। संघ का अधिकृत बयान मोहन जी ने जो कहा है वो संघ का अधिकृत बयान है, अधिकृत बात हो सकती है। इंद्रेश जी किसी संघ के बड़े पद पर नहीं है, उनके पास कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके बयान को संघ का बयान माना जाए, और ये कोई जरूरी नहीं कि इंद्रेश जी जो बयान दे उसका खंडन संघ करे, क्योंकि वो किसी बड़े पद पर नहीं है। ये उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, उन्हें व्यक्तिगत राय के रूप में देना चाहिए, उसे संघ के बयान के रूप में आप मान्यता न दे, न उस बयान को संघ प्रमुख के बयान के बराबर लाकर खड़ा करने की कोशिश कीजिए। मुझे ये आपत्ति है, इंद्रेश जी का दिया हुआ बयान उनका निजी और व्यक्तिगत बयान है, उसमें बहुत अगर निजी बयान भी है, समीर जी अगर निजी बयान भी है तो एक स्वयं सेवक, एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य अगर इस तरह के भावनाएं जाहिर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि संघ के अंदर कुछ तो है जो उनको बेचैन कर रहा है। मैं उस पर बात करूंगा, लेकिन पहले मनोज यादव। मनोज जी बोलिए। मैं आ रहा हूं समीर जी। किस तरह से आपने ये बात कहा कि क्यों जाति की बात करते हैं? जाति की बात ये होती है, आपने पूछा भी कि संविधान क्या, संविधान के प्रस्तावना में है साहब, प्रस्तावना में लिखा है कि हम सभी को प्रतिष्ठा और अवसर की समता मिलनी चाहिए, सभी को, सभी नागरिकों को, इसलिए बात होती है कि अरे मैंने इस रेफरेंस में नहीं पूछा सर, मैंने इस रेफरेंस में नहीं पूछा, मैंने जब उन्होंने दूसरे पर आरोप लगाया तब मैंने उस रेफरेंस में पूछा, आप समझ नहीं पाए मेरी बात। मंडल, अरे मैं पूरा समझ रहा हूँ, आप समझिए, मंडल कमीशन की समझ रहा हूँ मैं, पूछना चाहूंगा 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो कौन सी पार्टी थी जो कमंडल लेकर के निकल गई? मंडल कमीशन 10 साल की सरकार रही नरेंद्र मोदी जी की, मंडल कमीशन की 32 संस्तुतियों में से 2 संस्तुति सिर्फ लागू है, क्यों नहीं लागू कर दे रहे हैं? मंडल कमीशन की ये लोग बात करेंगे जो हमें काका कालेलकर आयोग की बात करी और जातिगत जनगणना पे नरेंद्र मोदी की सरकार सर्टिफिकेट देती है और वो एफिडेविट देती है देश के सर्वोच्च न्यायालय में कि हम जातिगत जनगणना के पक्ष में नहीं। सवाल यह है कि आप धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, आप इस देश में धार्मिक उन्माद के आवरण में दलितों पिछड़ों, अरे सुनिए तो, अब आप अपने सुन लीजिए, एक मिनट इनको बोल लीजिए, एक मिनट समीर भाई बोल लीजिए, हिस्सेदारी नहीं दे बात पूरा यादव के आगे बढ़ा नहीं आपका। अरे आप क्या बात करेंगे, परिवार के बाहर देते नहीं हो, क्या बात करेंगे, आपके लोगों को सांसद बनाते हो, आपको पता है किसी हमारे यहां दलित सांसद हुए हैं और रक्षण के आगे बढ़ते नहीं हो, दो दलितों को सम्मान है किसको मिला, समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, बच्चन दलित है, बीजेपी से सवाल आप करेंगे, आपके दलित है, फूलन देवी तक तो हमने भेजा, आपके खुद की विधायक पत्थर तोड़ने वाले को खुद की विधायक आपके खिलाफ कर रही है, इनका पीड़ित झूठा है, भगवतिया देवी पल्लवी पटेल क्या बोलती है इसके सदन में भेजा, पल्लवी पटेल तो खुद बोल रही है आपकी पार्टी की विधायक, एक एक करके आप दोनों लोग स्टूडियो में बैठे हैं, आप दोनों की आवाज एक साथ जा रही है, एक एक करके, नहीं एक मिनट समीर भाई रुके, समीर भाई समीर चौगावकर आपको मौका मिलेगा, एक मिनट समीर चौगावकर रुकिए, आपको मौका मिलेगा, पहले मनोज यादव 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, मनोज यादव 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, इस देश के बहुजनों को हर तरह का न्याय दिलाएगी और हम लेके रहेंगे, एक मिनट, अरे भैया आपस में मत लड़ो ना, लड़ो मत आपस में, आप लोग लड़ो मत, बेचैनी समझ रहे हैं, एक मिनट मनोज यादव खत्म करिए अपनी बात, वो भी होगा, मनोज यादव खत्म करिए अपनी बात, बदलाव समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में आंकड़े दीजिए ना, दलित सबसे ज्यादा सांसद हमारे जीते हैं, ठीक है हो गया आपकी बात, अब मैं समीर जी को दे दूंगा मौका, समीर जी बोलिए क्या कह रहे थे आप, क्या जवाब है आपका? देखिए मेरा ये कहना है कि जो आपका जो टॉपिक है चर्चा करने का, मेरा ये कहना है कि इंद्रेश कुमार को इतना महत्व देने की जरूरत नहीं कि उसके बयान को ये माना जाए कि बहुत बवंडर आ गया है संघ के अंदर, बहुत नाराजगी है, इंद्रेश जी ने कह दिया मतलब संघ के अंदर बहुत उतर, हम इंद्रेश जी के बयान को कोई महत्व नहीं दे रहे, समीर जी बयान आप चर्चा कर सकते हैं, व्यापक होगा इंद्रेश कुमार के बयान को, अरे मनोज जी मैंने उनको आपकी बात में रोका था, आप रुकिए मनोज जी रुकिए जब व्यापक, मनोज यादव आप जब बोल रहे थे तो मैंने दूसरे को रोका, मत कीजिए आप, मनोज यादव जब आप बोल रहे थे दूसरे को मैंने रोका, मनोज यादव जब आप बोल रहे थे तो मैंने दूसरे को रोका, अब उनको बोलने का मौका दीजिए, बोलने दीजिए, बोलिए समीर चौगावकर मेरा सवाल आपने सुना नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं ये बोल रहा हूँ आप लोग इंद्रेश कुमार के बयान को महत्व नहीं दे रहे, ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है आप मत दीजिए, लेकिन पहले मोहन भागवत जी ने कुछ बोला, अहंकार शब्द का इस्तेमाल किया, आज इंद्रेश कुमार चलिए आप कह रहे हैं कि किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं है लेकिन कमोबेश अहंकार का जिक्र तो वो भी कर रहे हैं, अहंकार का जिक्र तो वो भी कर रहे हैं, नहीं सवाल सुनिए, तो कहीं ना कहीं चाहे वो एक अहम पद पर बैठा स्वयं सेवक हो या फिर एक किसी
भी पद पर बैठा हुआ स्वयं सेवक ना हो, दिल में तो कहीं ना कहीं दिखता है कि टीस है। एक मिनट, मनोज यादव बीच में मत बोलिए, मनोज यादव आपकी बात समझ में नहीं आ रही। कम से कम बयान से आप संबंध, मनोज यादव एक मिनट पूछिए, मुझे यहाँ फॉलो कीजिए। एक मिनट रुकिए मनोज यादव, मैं कह रहा हूँ ऐसे बात नहीं हो पाएगी, वन टू वन बात होगी। मैं ये पूछ रहा हूँ यहाँ पर इंद्रेश जी के बयान पर, वो चलिए आप मानते हैं कि किसी मेन पद पर नहीं है, किसी मुख्य पद पर नहीं है, लेकिन सबसे बड़े पद पर बैठे एक शख्स ने अहंकार की बात कही और आज एक आम कार्यकर्ता आपकी नजरों में अगर ये कह रहा है, हालांकि वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, तो क्या संघ के कार्यकर्ताओं में, अधिकारियों में, पदाधिकारियों में कोई मन में टीस है जो अब ऐसे निकल के सामने आ रही है? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। मुझे नहीं लगता कि संघ के कार्यकर्ताओं में किसी चीज को लेकर नाराजगी होगी, संघ का अपना काम है, संघ राजनीति नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, जो भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है उसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी भुगतती है। संघ तो भारतीय जनता पार्टी के पहले भी था, संघ तो जनसंघ के पहले भी था, 1925 में राष्ट्रीय संघ संघ बन गया है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक सत्ता में रहे या नहीं रहे, संघ के हेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ना, संघ के अपने एजेंडे रहते हैं। लेकिन ये बात सही है कि संघ प्रमुख ने अगर कहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी भी आती है, देश के दूसरे राजनीतिक दल भी आते हैं, ये सभी राजनीतिक संदेश है। भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश है इसके अंदर, आती है ना? मैं स्वीकार करता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लिए संदेश है, पार्टी इस पर विचार करेगी। इसके पहले संघ, अगर आप संघ का भी देखोगे तो प्रतिनिधि सभा के सभा में जब कई प्रस्ताव पारित होते हैं तो कई ऐसे प्रस्ताव होते हैं जो सरकार केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी के लिए होते हैं, तो उसके लिए मतलब यह थोड़े की संघ से। यही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने कब कहा कि दोनों के बीच टकराव हो गया, मैं कह रहा हूँ क्या कोई विरोध, क्या कोई मतभेद आ गया, क्या कोई बात को लेकर वैचारिक समाज जीवन के लिए भी, हमारे जूता में भी जो है ना ग्रूविंग्स होते हैं, इसलिए होते हैं कि हम चल नहीं पाते, नहीं तो बिना घर्षण के हम गिर जाएंगे। मतभेद उस समय भी, जब सुदर्शन जी को आप याद होगा, बिल्कुल उन्होंने यशवंत सिन्हा के लिए कहा था ये अर्थ मंत्री नहीं है, अनर्थ मंत्री है, तब स्वदेशी जागरण मंच एक अलग लेकर था और अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार आई थी तो एनरॉन प्रोजेक्ट को उन्होंने सातवां दिन अप्रूव कर दिया था, जिसके खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ थी, लेकिन बात करता था, लेकिन जब संस्कृत का मामला आता था तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाती, काउ प्रोटेक्शन का मामला आता है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हो जाती है, रिलीजियस कन्वर्जन का मामला आता है तब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खड़ी हो जाती है। जहां तक आचार विचार का सवाल है तो ये बात तो हम लोग अपने संघ शिविर वर्ग में हमेशा बात करते हैं, ये प्रबोधन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई भी प्रचारक आता है तो यही बात करता है। जहां तक स्वयंसेवकों का टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहा है, टाइमिंग चुनाव के बाद आपको मजेदार बात है, आपने बहुत अच्छा कहा, टाइमिंग महत्वपूर्ण है, टाइमिंग इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि चुनाव इस समय हुआ, संघ शिक्षा वर्ग इसी जून महीने में होती है और हर साल होती है। ओके, अब उसके कारण आप ये देखिए कि संघ जो है वो अपने कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से कोई जोड़ करके नहीं रखती है। अच्छा, मैं एक बड़ी खबर आ रही है वो दिखाना चाहता हूँ, देखिए एक बड़ी खबर आ रही है, दिखाइए पीसीआर जरा, इसी से जुड़ी हुई खबर है। केरल में 31 जुलाई से आरएसएस की एक समन्वय बैठक होनी है और इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। पलक्कड़ में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक ये बैठक होगी, बैठक में संगठन मंत्री भी मौजूद रहेंगे, लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है। तो जो बात निकलकर सामने आ रही है, कई लोग इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या संघ प्रमुख ने या इंद्रेश कुमार ने कुछ बीजेपी को लेकर बात कही है, अब यहां पर एक बैठक हो रही है। मैं करेक्ट कर दूं, ये पहली बैठक नहीं, हर साल जुलाई में होती है। नहीं, मैं इलेक्शन की बात कह रहा हूं। अरे आप समझे नहीं, 2019 के चुनाव के बाद भी थी। अरे सर आप समझे नहीं, 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पहली बैठक हम कह रहे हैं, ये है। अब इस बैठक में क्या हो सकता है समीर जी बताइए। समारोह बैठक के संघ के प्रचारक आते हैं, संघ के अनुशासित संगठन के पदाधिकारी आते हैं, संघ अपनी चर्चाएं यहाँ बैठकों के अंदर करता है, चुनाव पर चर्चा होगी, संघ अपने कार्यक्रम में होगी, उसके बाद दशहरे के बाद और दिवाली के पहले संघ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है। नहीं, क्या इस समन्वय बैठक में, क्या इस समन्वय बैठक में शताब्दी, नहीं सुनिए सर, क्योंकि आप संघ को बहुत अच्छे समझते हैं समीर जी, क्या इस बैठक में जो हालिया बयान आए हैं इनको लेकर भी चर्चा हो सकती है, क्या जेपी नड्डा के जो बयान है उनको भी चर्चा हो सकती है? नहीं, मुझे लगता कि इसके ऊपर बयान होगी, वो इतना बड़ा महत्वपूर्ण बयान नहीं कि उसको लेके संघ बैठकर चर्चा करेगा। संघ के अपने बड़े एजेंडे, बड़े काम है, संघ के सारे क्षेत्र प्रचारक आते हैं, प्रांत प्रचारक आते हैं, 250 से ज्यादा लोग वहां इकट्ठे होते हैं, संघ के 40 अनुशासन संगठन के पदाधिकारी आते हैं, साल भर के कार्यक्रम डिसाइड होते हैं, उस पर कैसे आगे बढ़ना होता है, संघ के जो बड़े एजेंडे उस पर संघ वर्कआउट करता है, संघ प्रतिनिधि सभा में कौन से प्रस्ताव लेकर आना उस पर विचार करता है, देश के सामने कौन सी समस्या है उसको लेकर संघ विचार करता है। नड्डा जी का बयान इतना महत्व का नहीं है संघ के लिए कि संघ उसके लिए बैठे। अच्छा, एक और बड़ी खबर आ रही है, देखिए मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो एक और बड़ी खबर आ रही है, मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने कहा संघ प्रमुख का बयान सरकार पर टिप्पणी नहीं थी।
भागवत ने कहा था सेवक अहंकारी नहीं हो सकता, तो इस पर क्लेरिफिकेशन आया है। ये कह रहे हैं कि ये सरकार पर टिप्पणी नहीं थी, ये कहा गया है। भागवत ने कहा था सेवक अहंकारी नहीं हो सकता, मोहन भागवत के बयान पर आरएसएस ने ये कहा है कि उनकी टिप्पणी सरकार पर नहीं थी। बोली संगीत जी, क्या बोले? गौरव देखिए, संघ के करीब 70 के आनुसांगिक संगठन हैं और जितने अनुसांगिक संगठन हैं उनके सारे सेवा प्रोजेक्ट को आप ले लेंगे तो लाखों सेवा प्रोजेक्ट हैं। सेवा भारती का है, बनवासी कल्याण आश्रम 44,000 गांव में काम करती है, विश्व हिंदू परिषद का अपना सेवा प्रकल्प है। इन सारे लोग आज जाकर के समाज में काम करते हैं, सेवा का काम करते हैं। जो संघ प्रमुख का जो उद्बोधन है, हम उसको भी क्यों नहीं दृष्टि में हम लेते हैं? हम राजनीति पर ही टिप्पणी के रूप में उसे क्यों ले लेते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ। अच्छा हुआ कि इस प्रकार का एक खंडन आ गया। बहुत बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ, देश में चुनाव हुए, बीजेपी की सीटें कम हुई, तो लोगों ने उसको उससे जोड़कर देखा। देखिए, चूंकि हम राजनीति खाते हैं, राजनीति पीते हैं और राजनीति दिन भर उगलते रहते हैं, टेलीविजन मीडिया के लिए भी यही बात मैं कह रहा हूँ, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए राजनीति खाना पीना और उगलना प्रमुख नहीं है, उसके लिए राष्ट्र निर्माण है। ओके, है। ओके, तो अतुल लोंढे पाटिल, देखिए एक तरफ आरएसएस का भी क्लेरिफिकेशन है और एक तरफ ये संगीत रागी और समीर चौगावकर भी कह रहे हैं कि आप मोहन भागवत जी के बयान को केवल बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में मत देखिए, बीजेपी प्लस ऑल यानी वो आपके लिए भी है। और दूसरा वो कह रहे हैं कि इंद्रेश कुमार जी के बयान को महत्व देने की कोई जरूरत नहीं है। सहमत है आप? ऐसा है कि उन्होंने सेवक कहा है, नरेंद्र मोदी जी भी अपने आप को सेवक कहते हैं और चुनाव को लेकर टिप्पणी है, इस चुनाव में काफी लोग अहंकारी हो गए थे, तो हो सकता है कि उन्होंने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए कहा हो। ये आपके तीनों लोगों के डिस्कशन से निकल कर आ रहा है। अभी संगीत रागी जी बात करते कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, जरा बताएंगे थोड़ा सा 42nd में क्या हुआ था और 44th अमेंडमेंट में क्या चेंज किया, बताइए संगीत जी। हाँ मैं बताऊंगा आपको, बताऊं इंटरनल डिस्टर्बेंसेज ला करके आपने, इंटरनल आर्म्ड रिबेलियन था उसको आपने इंटरनल डिस्टरबेंसेज ला करके आपने देश पर नेशनल इमरजेंसी थोप जी थी। आपको आपको ये जानकारी होना चाहिए, उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है, पूरे संविधान को आपने बदल दिया था, कोई ऐसा चीज नहीं था जिसका नहीं बदला था। सुन लीजिए, 44th में उसी को रिट्रीव किया गया, 44th में जो आपने 44th में जो आपने छीन लिया था इस देश की जनता से उसको रिट्रीव किया गया था, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। और आप ये बताइए ना कि भगवान राम का चित्र, भगवान कृष्ण का चित्र संविधान से किसने हटाया, ये दुष्कर्म किसने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया है, इसको क्यों नहीं आप जवाब दे देते हैं? अरे किसके इशारे पर आप काम कर रहे थे? क्या केजीबी ने कहा था, क्या केजीबी ने कहा था कि इसको हटवाइए, या सीआईए ने कहा था कि इसको हटवाइए? भारत का जो संविधान था उसमें सचित्र थे, भगवान राम का दरबार था, किसने हटाया है? कुछ पता है या ऐसे ही प्रोफेसर हो? प्लीज, उन्होंने आपकी पर्सनल कैपेसिटी पे कोई टिप्पणी नहीं की, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं है। जब कोई झूठ बोले और झूठ नैरेटिव सेट कर रहा है, उनके संविधान बदल देगा, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? झूठ तो सबसे ज्यादा इस देश में राहुल गांधी ने बोला है, आरक्षण बात में इससे बड़ा झूठ है क्या? एक मिनट समीर जी, एक मिनट संगीत जी एक मिनट संगीत जी रुकिए गांधी से बड़ा झूठ कौन बोला? संगीत जी एक मिनट मैंने आपत्ति जता दी है उन पर, आप उनको बोलने दीजिए। संगीत जी उनको बोलने दीजिए, एक मिनट बोलने दीजिए। वो व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, मैंने उनको बोला आपने सुना, मैंने उनको बोला कि व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। हाँ, आप किसी के पेशे पे मत जाइए ना अतुल जी, आप उनके बातों पर बोलिए, आपका अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत मत होइए। अभी बताइए, उन्होंने कहा कि आरक्षण हटा दिया, बात की थी, मैं बताता हूँ, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो शुरू किया है वो आरक्षण को हटाना नहीं, तो क्या है? यूपीएससी पास होने के बाद आईएएस सिलेक्शन होने के बाद, उन्होंने जो 44 संशोधन को लेकर कहा वो गलत कहा कि सही कहा, ये तो बता दीजिए। आप दोनों नहीं रह सकते तमिलनाडु के अंदर, केरल में, देखो बीच में बात कर रहे हैं। नहीं, बीच में मत बोलिए समीर जी। अरे बीच में मत बोलिए। सोरेस का एजेंडा इस देश में। ओहो समीर जी, फिर संगीत जी, नहीं प्लीज, एक मिनट उनको बोलने दीजिए, बात आ जाने दीजिए, फिर आप लोग कहेंगे बात नहीं हो पाई। बोलिए अतुल जी। देखिए, ये सोरेस का एजेंडा कहते, क्या सो रहे थे क्या सरकार? आईबी सो रही थी सरकार की, रॉ सो रहा था, इंटेलिजेंस एजेंसियां सो रही थी, सोरेस का एजेंडा लग रहा था, तो
केवल यहाँ पर आकर झूठ बोलना, झूठ बोलना, जाकर के इटली और बैंकॉक में जाकर के भारत की सरकार तो चेक नहीं कर सकती ना, जाकर के चाइना, चाइना के एम्बेसी में जाकर के राहुल गांधी क्या बात करते हैं ये पता नहीं होगा ना, चाइना की एम्बेसी में जाकर के बात करते हो तो ये तो नहीं भारत सरकार पता कर सकती है। बताओ सेक्युलर और सोशलिस्ट ये शब्द क्यों नहीं निकाला अपनी 44th अमेंडमेंट में? अरे मैं तो कहा ना कि चाइना की एम्बेसी में डोकलाम के समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे, उनको भारत की सरकार पर विश्वास नहीं है, चाइना की सरकार पर विश्वास है क्या? कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था राहुल गांधी ने चाइना के साथ? कौन सा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था? जाकर के अमेरिका में जाते हैं राहुल गांधी तो गाली गलौज करते हैं, इस देश के हिंदुओं को गाली देते हैं, दक्षिण भारत में जाते हैं तो कहते हैं उत्तर भारत वाले निकम्मे हैं, उत्तर भारत वालों की मानसिक प्रक्रिया ठीक नहीं है, ये कौन बात कर रहा है? जो कहा है वो केवल बीजेपी के लिए नहीं सबके लिए। एक बात आप समझ लीजिए, मोहन भागवत जी से या आरएसएस से हमने कभी सलाह नहीं ली है, उनको कभी सलाह नहीं दी है। सलाह लेना और सलाह देना ये बीजेपी का और आरएसएस का काम है, ठीक है, ये दोनों के बीच का है। और ये बार बार चाइना का कहते हैं तो 18 बार चाइना प्रोटेक्शन के मुद्दे पर इसका भी जवाब देना चाहिए। जिन्होंने इटली से और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे ये अपेक्षित नहीं है। कुंजी प्रोटेक्शन पर गुरु जी को समिति में रखा था, मिसेस गांधी ने रखा था, इनको जानकारी नहीं है। संगीत रागी जी जो है ये संगीत रागी डिबेट नहीं करता है, ये केवल और केवल झूठ परोसता है। अरे तो आप उनको झूठ अगर लग रही है उनकी बातें तो आप बोले, लेकिन अब आप कर्ता पे आ गए। देखिए इसी बात पे आपत्ति है, तथ्य पे बात नहीं हो रही है, आप कर्ता है और दूसरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अतुल अच्छे प्रवक्ता है, नहीं ऐसे शब्द शोभा नहीं देते। मैं मनोज यादव ओके ओके अतुल जी रुकिए, हो गया। मनोज यादव, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जो कहा मोहन भागवत ने वो सारी पार्टियों के लिए था, और क्या आप उसमें से कोई टेकअवेज अपने लिए लेते हैं? देखिए हम लोग कोई भी अच्छी बात करता है देश में, हम लोग किसी विचारधारा से घिड़ा करते हैं, व्यक्ति से नहीं करते। हाँ। एक बात है, कोई किसी ने अगर अच्छी बात कही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का समूचा चरित्र कौन नहीं जानता साहब, कि गो सेवा का डफली पीटेंगे और गो हत्या करने वाली स्लाटर कंपनियों से 200 करोड़ रुपए का चंदा ले लेंगे। आज देश में 45 साल की भयंकर बेरोजगारी है, कौन नहीं जानता। मणिपुर के समस्या, अब मणिपुर पर उन्होंने बोल दिया सच, हालांकि देर से बोला, उन्होंने सरकार को बचाया है, क्योंकि भारतीय आरएसएस वो जानता है कि उसकी विचारधारा बची रहनी चाहिए, वो तो जब चाहे। को यह भी पूछना चाहिए कि एनटीए का पेपर जो समीर चौगावकर 20 सेकंड बयान देकर के कौन नेता समय खत्म हो जाएगा, आप ही बोलते रहेंगे। समीर जी बोलिए, डूब गया, रुकिए रुकिए, किसकी है? समीर जी बोलना है आपको कुछ, और एनटीए पे पूछिए ना, अधिकृत बयान आ गया है। एनटीए पे कल दिन भर लग रहा है कि जो विवाद चल रहा था उसके ऊपर संघ का बयान आ गया है।